नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं आपके साथ शादाब सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने दिन दहाड़े हुई जमकर गोलीबारी में इलाके में दहशत। घटनास्थल में खोखो का अंबार के साथ मिले खून के निशान। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को बनकुइया नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 10वीं 12वीं का परिणाम हुआ घोषित, रीवा का विपिन हायर सेकेंडरी के स्टेट टॉपर सूची में। बीमार महिला को नहीं मिली 108 की सुविधा, ठेले की मदद से पहुंची अस्पताल। लिफ्ट कर्मचारियों की मारपीट से नाराज संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर, प्रबंधन की समझाइश के बाद लौटे काम पर। बाढ़ आपदा को लेकर जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक।